हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आप लोग सोच रहे हो कि मैं बीच बीच में कहाँ चला जाता हूँ। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं रेस्ट में था। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, जब भी मैं ये ऐसा वीडियोस जब भी मैं पोस्ट करूँ नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है आपका दोस्त आपके साथ। दोस्तों, उस चैनल पर भी मैं लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, तो आप उस चैनल पर भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो चैनल भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चैनल पर भी मैं बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत सारा ट्रिक्स ट्रिप्स, बहुत कुछ लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, तो आप लोग उसमें जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। एक रिकवरी एजेंट, अगर मानो कि कहीं से भी लोन लिए हो आपने, NBFC से, क्रेडिट भी, किस्त, धनी, रफीलो, जो भी एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन से, देखिए जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो घर पर जाते हैं। अगर घर पे जाते हैं तो आप उससे किस तरीके से उससे बात करना है, आप लोगों को डरना नहीं है, लेकिन किस तरीके से उन लोगों से बात करना है आज मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे वीडियो में मैं प्ले किया एक रिकवरी एजेंट, मैं वीडियो आप पूरा देखिए थोड़ा सा, तभी आप लोगों को बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, சொல்லுங்க பேமெண்ட் பண்ணிங்க யூஆர் ஃப்ரம் டாட்டா கேப்டன் லெட்டர் ஆஃப் அதாரிட்டி வி ஹவ் லெட்டர் ஆஃப் அதாரிட்டி ஃப்ரம் டாட்டா கேப்டன் ஏஜென்ட் யூ ஷுட் நாட் கம் நோ வித்வுட் மை அப்ரூவல் எஸ் யூ டோன்ட் ஹவ் எனி அப்ரூவல் நோ ஃப்ரம் மை சைட் யூ ஹவ் டு சென்ட் மீ யூ ஹவ் டு கன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் மீ நோ No. So you already made an I have not informed you to come and meet me. No, why? PDM is pending now. Why? Yes, you have to send me legally. Already we are saying no. Yes, then we proceed legally. What? Okay. You already changed the house. You not updated. Hey, what? Weed marketing already. See, recovery agents, if you want to come and meet me, you have to get my permission first. No, that is not rule. Not rule, no? Then okay. I'll pay to them, not you. Okay, when? Your recovery agent, I need not to inform you anything. Why? I will call manager. You call anyone, but I'll pay to them only. Yeah, I will call the manager, no, Tata Capital manager. You should not come here, okay? Okay, I will call the manager, Tata Capital manager. Okay, you call and inform them. No, I will call you, you talk to him. Sorry, I cannot talk to you. Why? He's a manager, no, Tata Capital manager. You talk to manager. I won't answer any recovery agent, okay? He's a manager. Okay. Tata Capital manager. You inform him. You inform I don't know. You inform. You are a customer, no. You inform. You inform. Hello? Okay. तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा एंड तक, तो आप लोगों को क्या पता चला? देखिए, इस तरीके का अगर रिकवरी एजेंट आते हैं, रिकवरी एजेंट का एक प्रॉपर ड्रेसिंग कोड होता है, रिकवरी एजेंट का खुद का एक आई कार्ड होता है, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लाएगा तभी आप लोगों के पास आ सकता है। RBI के गाइडलाइंस थ्रू उनके पास ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है उन लोगों को, प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना वो आपके घर पर नहीं आ सकता। लेकिन ये भाई साहब देखिए, आप लोगों को दिख के पता चल जा रहा है कि किस तरीके का इम्प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस है, ना आई कार्ड है, ना कुछ तरीका है, और फ़ोन पे ऐसे बोल रहे हैं कि मैं आप मेरे को पैसा नहीं दीजिएगा, मैं मैनेजर से बात करिए। अगर मानो मैं फ़ोन पे किसी नाम से सेव कर लेता हूँ, मैं किसी को मैनेजर बना देता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति को मैं फ़ोन पे बताता हूँ भाई मैं मेरा दोस्त को ही मैं बना देता हूँ मैनेजर, तो आप लोग सोचोगे मैं वो मैनेजर है? ऐसा थोड़ी होता है। मैनेजर है भी या फिर ये फ्रॉड है या फिर चोर है, आप लोगों को पता नहीं है। अगर कोई प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है, प्रॉपर आई कार्ड नहीं है, पहले आप लोगों को इसका चार्ज करना है। ठीक है, अगर इस तरीके का आए, ज़्यादातर आप लोगों को जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके का इम्प्रॉपर ड्रेसिंग में आने का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कि आपका जो यहाँ पे आई कार्ड मिसिंग है, पहला चार्ज आपको ये करना है कि आपका आई कार्ड मुझे देखना है। आई कार्ड दिखाइए आप, वो तो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि उनके पास आई कार्ड है ही नहीं।
दिखा दिया तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिखा पाता है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई तुम आई कार्ड बिना मेरे घर पे आए हो, पटेल का है, कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू से भी आ सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो सही बंदा है कि नहीं है? तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले एक चार्ज करना है, जो चार्ज क्या है, आपका आई कार्ड। आप अपना आई कार्ड दिखाओ, आप सही में रिकवरी एजेंट हो या फिर नहीं हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे फ़ोन पे बात करते हुए आपने देखा कि मैनेजर से बात कर रहा हूँ, आप मैनेजर से बात करो, मेरे सर से बात करो। अरे भाई फ़ोन पे कोई भी नंबर से किसी को भी अगर लगा के बोले कि भाई मैं मैनेजर हूँ, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, आप विश्वास करके उनको दे देंगे पैसा, चोर भी हो सकता है। प्रॉपर ड्रेसिंग्स के अगर ना आए तो आपको उनसे बात करना ही नहीं है। इस तरीके का वीडियो बनाना है आप लोगों को सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर कुछ बदतमीजी करता है तो आप लोगों को पुलिस का हेल्प लेना है, ठीक है। आरबीआई तो है आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर कुछ बदतमीजी करे या फिर बोले कि मैं पैसा बिना लिए नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे बोलना है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरीके का धमकी दे कि आपको अभी पैसा देना होगा, मैं पैसा लेने के लिए आया हूँ, बिना पैसे मैं घर नहीं, मैं आपके घर से नहीं निकलूँगा, अगर इस तरीके का बर्ताव करे आप लोगों के साथ, तो आप लोग सीधा तरीके से ये बोलना है कि मैं आपको पैसा क्यों दूँ, पहले आप ये बताओ। ना आपके पास आई कार्ड है, ना आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, ना कुछ है, तो मैं आप लोगों को क्यों पैसा दूँ, किस भरोसे में पैसा दूँ, आपको सिर्फ ये बात बोलना है। अगर फिर भी ना सुने, आप लोगों को सीधा सीधी तरीके से क्या बोलना है, सीधा चार्ज करना है कि आप लोगों को मैं पैसा दूँ किसके भरोसे पे, आप कौन हो, अगर आप मेरा पैसा लेके भाग गए तो आप एक चोर भी हो सकते हो, ठीक है। इस तरीके का चार्जेस आप लोगों को लगाना है उन लोगों के ऊपर। फिर भी ना सुने, पुलिस का हेल्प लेना है आप लोगों को, आरबीआई में कंप्लेंट करना है। ये जो वीडियो बना रहे हो आप आरबीआई में डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरीके के इम्प्रॉपर ड्रेसिंग्स में आए, आप लोगों को उनसे बात करना ही नहीं है, ठीक है। वो आप लोगों के साथ कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बदतमीजी करने का उन लोगों के पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं है। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिंपल तरीके से उन लोगों से बिना डरे इन लोगों से बात करना है। अगर आप बात कर लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, वो कोर्ट में नहीं जाते हैं, वो पुलिस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ आप जा सकते हो। अगर आप लोगों के साथ कुछ बदतमीजी करते हैं, आप लोग कोर्ट में भी केस कर सकते हो उन लोगों के अगेंस्ट, आप पुलिस में भी जा सकते हो, पुलिस में भी आप FIR कर सकते हो इन लोगों के अगेंस्ट। आप लोगों के ऊपर राइट्स है, आप लोग खुद से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इन लोगों के पास कोई राइट्स नहीं है, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताया कि अगर आप लोग के घर में इस तरीके का कोई भी एजेंट्स आते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को बात करना है, क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रख के पूछना है, चार्जेस लगाना है, क्या क्या है, तो वो आप लोगों को मैं बता दिया इस वीडियो के थ्रू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।